हेलो फ्रेंड्स, सिंपल वीडियोस इन कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पालक की मिस्सी मसालेदार पूरियां बनाना बताऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हमारे घर में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि हम अपने जो घर के मेंबर्स हैं उनको पालक कैसे खिलाएं, क्योंकि पालक बहुत कम लोगों को पसंद होता है। आज मैं आपको पालक खिलाने का एक नया तरीका बताने जा रही हूँ। अगर आपको हमेशा की जैसे मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन होता है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए हम देखते हैं पालक मिस्सी मसालेदार पूरियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पालक मिस्सी मसालेदार पूरियाँ बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पालक। ये मैंने 1 कप पालक लिया है, इसको अच्छे से साफ़ किया और इसको अच्छे से साफ पानी में, जो पीने वाला पानी होता है उसमें अच्छे से धो लिया बिल्कुल साफ। और ये है तेल पूरियाँ तलने के लिए, ये मैंने लिया है 1 कटोरी हरे धनिए की पत्ती, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और ये है हरी मिर्च जिसको हम काट के इसके साथ में पीसेंगे। ये है नमक, ये मैंने नमक लिया है 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। ये है हींग, ये हींग 2 चुटकी भर हम लेंगे। ये है लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने आधा चम्मच लिया है, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये है घी, ये मैं 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करूंगी आटा लगाने के लिए। ये है हल्दी पाउडर, ये मैंने 2 चुटकी भर हल्दी लिया है सिर्फ कलर के लिए। ये है कसूरी मेथी, ये मैंने आधा चम्मच लिया है, इससे पूरियों की खुशबू बहुत अच्छी बनेगी। ये है सूजी, ये मैंने 2 टेबल स्पून सूजी लिए है, सूजी से हमारी जो पूरियाँ है ये बहुत ही कुरकुरी बनेगी। और ये है बेसन, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून बेसन लिया है, ये बिना रोस्ट किया हुआ है, ये हमें रोस्ट नहीं करना है, ऐसे ही लेना है। और ये लास्ट में ये हमारा है आटा, ये गेहूं का आटा है जिसमें हम सभी चीज़ें मिला के आटा लगाएंगे। ये मैंने अपने मेंबर के हिसाब से लिया है, आप अपने घर के मेंबर के हिसाब से गेहूं का आटा ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम जो हमारा ये पालक है इसको पीस के तैयार करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले हमारा जो पालक है वो उसको पीस के तैयार कर लेते हैं। हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हमारा जो ये पालक है इसको डाल देंगे। ये पालक डाल दिया है, अब हम इसमें ये जो हमारा धनिया की पत्ती है वो भी डाल देंगे। और ये जो हमने हरी मिर्च ली है इसको भी हम मोटा मोटा काट के डाल देंगे। और इसमें हम ये 2 चुटकी भर हींग डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से इसके साथ पिस जाएगा, हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको बारीक पेस्ट की जैसे पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने ये धनिया और जो पालक है उसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, मैंने इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी का डाला था और फिर इसको पीस लिया। अब हम हमारा जो आटा है उसको लगा के तैयार करेंगे। तो हम पूड़ियों का आटा लगाने के लिए हम ये आटा ले लेंगे। आटे में हम हमारा जो ये नमक है वो डाल देंगे, ये कसूरी मेथी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये हल्दी पाउडर डाल देंगे, ये सूजी लिए हमने 2 टेबल स्पून ये भी डाल देंगे, ये 2 टेबल स्पून बेसन लिया है ये भी डाल देंगे। और इसमें हम 1 चम्मच ये घी डाल देंगे, आप घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे थोड़ा तेल कम पसंद आता है।
तो मैंने इसमें ये घी डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने पालक का पेस्ट तैयार किया है वो डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बाद में जब हमें पानी की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। हमें इसका आटा जो हम नॉर्मल पूड़ियाँ बनाते हैं गेहूं के आटे की, वैसा हमें आटा चाहिए। चपाती जैसा नहीं चाहिए, चपाती से थोड़ा सा टाइट हम इस आटे को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो ये पेस्ट है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें पानी की आवश्यकता है या नहीं, उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे। ये देखिए मैंने जो पालक का पेस्ट था उसको तो अच्छे से मिला लिया है, लेकिन अब हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि हमारा जो आटा है वो सूखा है। इस तरह से हम जार में पानी डाल के इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। आपको ये ध्यान रखना है आटा हमें थोड़ा टाइट ही लगाना है, क्योंकि जैसा हम पूरी बनाने के लिए लगाते हैं वैसा हमें आटा लगा कर तैयार करना है। अब हम ये आटा लगा के तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आटा लगा कर तैयार कर दिया है हमें। ये देखिए इस तरह का हमें आटा लगाना है। ये देखिए हम जो नॉर्मल पूड़िया बनाते हैं उसी हिसाब से हमें आटा लगाना है। ये देखिए अब हम इसको ढक के और 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम हमारी जो पूड़िया है वो बना के तैयार करेंगे। इस तरह से आप इसको 10 या 15 मिनट के लिए ढक दें ताकि हमारी जो सूजी है वो भी अच्छे से फूल जाए और आटा भी सेट हो जाए। लीजिए फ्रेंड्स हमारे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम हमारे आटे को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा आटा सेट हो गया है। अब हम थोड़ा सा हाथ पर घी लगाएंगे इस तरह से और इसको हम थोड़ा सा आटे को मसल कर अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पूड़ियां बनाते हैं उस हिसाब से हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। इस तरह से हम इसको लंबा करेंगे और इस तरह से हम इसकी लोई तोड़ लेंगे। आप लोई छोटी या बड़ी आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं, जैसे भी आपको पूरी बनानी हो छोटी या बड़ी। मैं इसकी थोड़ा नींबू की साइज से थोड़ा सा बड़ा इसकी लोई तोड़ रही हूँ इस तरह से। इस तरह से हम ये लोई तोड़ लेंगे और हम एक लोई उठाएंगे, इसको इस तरह से हाथ से गोल कर देंगे और इसको इस तरह से चपटा कर देंगे। ये देखिए हमारा ये पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम ये सारे पेड़े बना लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स मैंने ये सारी लोइयां बना के तैयार कर ली दी। देखिए अब हम इसकी हम पूड़ियां बेलेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा इस पे घी लगा लेंगे, घी या तेल, घी की जगह आप तेल भी ले सकते हैं। इस तरह से हम चकले पे लगा देंगे ताकि चकले से हमारी जो पूड़ियां है वो चिपके नहीं और हम इसको बेल लेंगे। जैसे हम नॉर्मल पूड़ियाँ बेलते हैं गेहूं की पूड़ियाँ, वैसे इस तरह से हम बेल लेंगे। पूड़ियाँ आप छोटी या बड़ी अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सभी पूड़ियाँ बेल लेंगे। मैंने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है कढ़ाई में। जब तक हम पूड़ियाँ बेलेंगे तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा और हमें पूड़ियाँ तलने के लिए अच्छा गरम तेल चाहिए। अब हम सभी पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी लोइयों की पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर ली है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा तेल भी गर्म हो गया है। हम इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटे का पोर्शन लेंगे और इसमें डालेंगे। ये देखिए आटा ऊपर उठ के आ गया। इसका मतलब हमारा जो तेल है वो पूड़ियाँ तलने के लिए परफेक्ट है। अब हम इसमें पूड़ियाँ तल लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके हमारी पूड़ियाँ डाल देंगे।
जितनी आपकी कढ़ाई में पूरी आ जाए उतनी आप कढ़ाई में पूरी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी पूरियाँ ऊपर आ रही है, इसको इस तरह से थोड़ा सा चला देंगे ताकि हमारी जो पूड़ियाँ है वो अच्छे से फूल जाए। अब हम इसको पलट देंगे, हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पूड़ियाँ बनाते हैं उसी हिसाब से हम इसको सेकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पूड़ियाँ सिककर तैयार हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे, हम इस तरह से तेल इसको पूड़ी को रोकेंगे कढ़ाई पे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो हमारा कढ़ाई में वापस चला जाए, और हम सारी पूड़ियाँ इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम इसमें हमारी जो बाकी की पूड़ियां हैं वो भी डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी पूड़ियां हमारी फूल के ऊपर आ गई है। अब हम इनको पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये वाली पूड़ियाँ भी सिक गई है। अब हम इनको भी निकाल लेंगे, इस तरह से हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन पूड़ियों की। लीजिए फ्रेंड्स हमारी पालक मिस्सी पूड़ियाँ तैयार है। ये पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इनके लिए मिर्च के टिपोरे बनाए हैं, आप अपनी मनपसंद सब्जी के साथ इनको खा सकते हैं। और ये बहुत ही पौष्टिक है क्योंकि इसमें हमने पालक डाला है, हरा हरा पालक, हरा हरा धनिया डाला है, इससे ये बहुत ही पौष्टिक हो गई और इसमें बहुत सारा प्रोटीन है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।